सुन हदीस पाक हजरत हबीब बिन सैद अंसारी एक गरीब सहाबी नबी सैदा सारा दी टोकरा सिर ते मदीने दे गल्ले दे विच पिंडू विचे दे फेरी दा काम करे दे सारा दी आए नबी सैदी ज़ियारत वास्ते सरकार ने मुसलमे दा जिक्र कीते मुसलमा कौन आ और दावा कीता नऊज बिल्ला मैं नबी आ ओ आख्या मैं नबी आ और दावा कर दिता नबी सैदी तरफ लिखा खत खत दे विच लिखो जो आए मुसलमान दा नबी मैं नाल मुआहदा कर गिन जितने तक तू हयात ही तू नबी तेरे विसाल दे बाद मैं नबी हो सा या वाला मैं नाल मुआहदा कर गिन अठ अरब दा तू नबी अठ दा मैं नबी ए मैं नाल मुआहदा कर गिन खत लिखा नबी से खत दा जवाब लिखा गौर कर बासो नबी से खत दा लिखा जवाब सरकार ने सहाबा दी तरफ दिखा फरमा ए खत कौन पूजे से ए मुसलमा को खत कौन पूजे दे हालांकि नबी होवन दा ऐलान कीती बेटा बेशक नबी का नहा लेकिन को मनन वाले भी हन ओंदे वास्ते जान लेवण वाले भी हन ओंदे गुलामी हन ओंदे मुशीरी हन ओंदे वजीरी हन सरकार ने फरमा कौन है जरा खत पुजावे हदीस पाक जमदे हजरत हबीब बिन जैद सारा दी पिंडू वेचण वाला सहाबी रसूल उठी खड़े सोना मैं पूजे सा या रसूल खत मैं पूजे सा साबा करम फरमेंदन जेरे वेलो अलैना मुंह दे विच पिंड हस पी पिंड खमदा करा पिंड दे टुकड़े साबा करम दे कपड़े दे उते आन पेन साबा करम मुस्कुरा ते आखे उबहल ते ही पहले पिंड दा खा रो ते आखे दे मत्ता सरकार खत बे को देवन मैं हदा ईहा कुर्बानी मैं ना देवा चा उठी करे सोना मैं ने अमदा खत पकड़िया साबा करा फरमेंदन ओ जात दी कसम है जिंदे दस से कुदरत ज मीठे मोहम्मद दी जान है हजरत हबीब बिन अंसारी जैद सहाबी रसूल गरीब सहाबी सारा दी पिंड वेचण वाला जड़ खत चाते टुरिए इवें लगदा हाजी में वक्त दा जरनेल पवेंदा होवे खत चाते टुरिए मुसलमान दे दरवाजे ते मन तलवार मारी है सर अगो पूछे ने कौन मुस्कुराते अखंदे चेहरा कने में दिठा सा मिठे मोहम्मद दे गुलाम थे तो असारे चेहरे रखे सीमा हम फी वजूहे हम मेरा आसारे सुजूद अल्लाह करीम ने फरमा मेरे नबी दे गुलाम दे निशानी है उन्हें दे चेहरे नमाज दी वजह कोनो रोशन हो सके ए निशानी नमाज दिए उना दे चेहरे रोशन हो सन अच्छा सही को पूछा गया या रसूल अल्लाह कयामत वाले जाड़े आदम को लाते हजरत ईसा तक तमाम नबी जा उम्मता हो सन तो हा को के पता लग से जो मेरी उम्मत है से तो हा को के पता लग से मेरी उम्मत है आदम दिए मूसा कलीम दिए हजरत ईसा दिए कितने नबी कई हजारा तुहारी उम्मत जो आई खड़ी उसे दुआ को किए पता लग से जो मेरी उम्मत है सरकार ने फरमा मेरी उम्मत का पता लग वे से उना दे चेहरे सजदे ते रकुए दी वजह कोनो रोशन हो सन ए वुजू जो करे ने पांच वक्त नमाज अदा करे ने फरमाई ना दे चेहरे नूरानी हो सन दूजी वजह मेरे आका ने फरमा उने दा जरा नामा या आमाल अल्लाह से मेरी उम्मत को सजे हाथ जाता फरमे से ए अल्लाह से मैं मोहम्मद दे सदके मेरी उम्मत दे उते करम करे से एक दा चेहरे नूरानी हो से दूजा नामा या माल सजे हाथ जो से मैं नबी दा गुलाम आया खड़ा खत चाहते आया नबी से जवाब देते अच्छा बादशाह दा तरीका जो खत आप ना पढ़दे हन नाल दरबान खड़ा होना खत पढ़दा ओ मुसलमान क्या खत पढ़ क्या जवाब है लिखा पे हां मैं मोहम्मद अल्लाह दा सच्चा रसूल हां मुसलमान तू कज़्ज़ाबी तू झूठाई अगर सत समंदर दा पानी चावे ते थावे जाना वलाई तू झूठाई मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हां नबी से जवाब लिखे मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हां तू कज़्ज़ाबी तू झूठाई
اور سرکار نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجبار۔ اے لوگوں چھڑا جہاد اے کہنی ہاتھ دے وے تلوار ہوئے سامنے دشمن ہوئے، سرکار نے فرمایا اے بھی بے شک جہاد ہے پر ظالم دے سامنے حق دا کلمہ علاوہ اے ہی سب کو افضل جہاد ہے۔ حق دا کلمہ علاوہ نے افضل جہادی اون جڑے ویلے خط سنیے نا ہن نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھا وزیر مشیر منن والے ٹھگاں او ہاتھ دے وچ تلوار کیتی ہے حضرت حبیب بن انصاری غریب صحابی رسول سامنے کھڑا آکھن لگا مسلمہ اے حبیب تیرے نبی میں کو آکھے قذاب میں کو آکھے تو جھوٹائیں تیرے نبی میں قذاب لکھے ہن تو دس جو تیرا کیا عقیدہ ہے میں نبی ہاں یا قذاب ہاں۔